हेलो स्टूडेंट, माय सेल्फ वर्षा पारक फ्रॉम जीजा माता पॉलिटेक्निक कॉलेज। इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में हम फिज़िक्स सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ डिप्लोमा कोर्स के लिए अवेलेबल है। और इस सब्जेक्ट में हम बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिस्कस करेंगे। इस सब्जेक्ट के बहुत सारे मॉड्यूल्स होंगे, सो आज के मॉड्यूल में हम मेज़रमेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो मेज़रमेंट टॉपिक्स के अंदर बहुत सारे टॉपिक है, वेरियस टाइप के। आज के इस टॉपिक में हम क्या सीखेंगे वो देखते हैं। कोर्स आउटकम, इस कोर्स का मेज़रमेंट का जो आउटकम होगा वो क्या होगा? हैव एन अंडरस्टैंडिंग of the fundamental concept and techniques in the various topic related to engineering physics and student should be able to apply the knowledge analytically। हम engineering physics में बहुत सारे techniques और fundamental concept के बारे में पढ़ेंगे, उसके ऊपर discuss करेंगे। इस module के क्या outcomes होंगे हम वो देखें। तो इस मॉड्यूल्स के आउटकम्स हैं, लर्निंग आउटकम्स आप देख सकते हैं। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द बेसिक एलिमेंट ऑफ मेजरिंग बिहेवियर आउटकम्स। डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द बेसिक एलिमेंट्स ऑफ मेजरिंग बिहेवियर आउटकम्स। हम बेसिक एलिमेंट्स के मेजरिंग और उनके बिहेवियर के बारे में जानेंगे। आइडेंटिफाई डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर आउटकम्स एंड द मेजरमेंट प्रोसीजर फॉर असेसिंग दैम। हम डिफरेंट टाइप के मेज़रमेंट देखेंगे, डिफरेंट टाइप के प्रोसीजर देखेंगे, किस तरह से मेज़रमेंट करने की अलग अलग प्रोसीजर होती है, किस टाइप के मेज़रमेंट किए जाते थे और किस तरह से उसको डेवलप किया गया, वो हम इस मॉड्यूल के बारे में देखेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है कि ये मेज़रमेंट की आवश्यकता क्यों है। नीड ऑफ मेज़रमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस। सबसे पहले मेज़रमेंट की जो आवश्यकता है वो साइंस में क्यों है वो हम पहले देखते हैं। तो सबसे पहले 3 क्वेश्चंस है जो आप देखें यहाँ पे। व्हाट इज़ द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ। सूर्य से पृथ्वी तक की दूरी क्या होगी, कितनी होगी, यह हमें जानना है। सेकंड है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, उस लाइट की स्पीड क्या होगी। व्हाट इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास क्या होगा। अभी इन तीनों जो डिस्कवर की गई है वैल्यूज़, वो हमारे पास अवेलेबल है, बट जब नहीं थी तब हम इन वैल्यूज़ को कैसे निकालते, ये हमारे लिए मेज़रमेंट का एक विषय बन चुका था। अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, मतलब आपको पता है कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो, या जब हम ऊपर से कोई चीज़ फेंक देते हैं तो वो हमेशा नीचे की तरफ ही आती है। वो एक नेचुरल फिनोमेना है कि हाँ ऐसा ही होता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है हमको फिर बाद में पता चला, हाँ ये ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सब चीज़ें नीचे की तरफ आती है। अब मान लो वो ऑब्जेक्ट जब धरती पर आता है तो उस ऑब्जेक्ट का वजन क्या होगा, वो कितनी तेज़ी से नीचे आएगा, या उसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, क्या हाइट होगी वहाँ से यहाँ तक आने के लिए, किस तरह से ऑब्जेक्ट काम करता है। अगर बहुत हल्की वस्तु है जैसे कागज़ का टुकड़ा, अगर कागज़ के टुकड़े को और एक लोहे की बॉल को, दोनों को मैंने अगर ऊपर से नीचे फेंक दिया, तो आप बताइए कौन सा ऑब्जेक्ट धरती पर सबसे पहले पहुंचेगा, जिसका मास ज़्यादा हो, और जो हल्का है वो थोड़ा सा लेट पहुंचेगा रेजिस्टेंस के कारण। तो ऐसा क्यों होता है, हमने ऑब्जेक्ट के मास को देखा, उसको टाइम देखा कि कितना टाइम लग रहा था, क्या वेलोसिटी होगी उस ऑब्जेक्ट की, किस तरह से हम उसको सॉल्व कर पाएंगे, किस तरह से मेज़र कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ों के लिए मेज़रमेंट की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जैसे हमारा जो लाइट है वो ग्लो करता है, जब लाइट ग्लो करता है तो उसके अंदर पावर जो है वो कितनी होनी चाहिए, कितने वाट का बल्ब होगा, कौन सा वाट का बल्ब सुटेबल रहेगा हमारे घर के एप्लीकेशंस के लिए,
तो ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, सब कुछ मेज़रमेंट के इससे होता है। तो ये था साइंस के बारे में। अब हम थोड़ा इंजीनियरिंग पर्पस से देखें। ये है प्रेशर गॉज मशीन। प्रेशर गॉज मशीन प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। जैसे कोई फैक्ट्री है या कोई ऐसा मैस होता है, तो वहाँ पर जब स्टीम के द्वारा बनाई जाती है कुकिंग या कोई चीज़, तो उस स्टीम का प्रेशर जो है वो कितना होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो वो एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हैं उस प्रेशर के लिए, तो वो 5 गॉज प्रेशर का होना चाहिए। अब मान लो ये मशीन नहीं होती और वो प्रेशर ज़्यादा हो जाता, तो आपकी सारी एप्लीकेशंस जो है वो ख़राब हो जाती या कुछ ना कुछ हादसा हो जाता। तो प्रेशर गॉज मशीन के द्वारा हम प्रेशर को मेज़र कर सकते हैं। तो इस मशीन को बनाने के लिए छोटी से छोटी बारीक से बारीक एक्यूरेसी की मेज़रमेंट की गई होगी। अगर मान लो इस मशीन में ही डिफ़ॉल्ट हो, तो क्या ये मशीन का कोई मतलब है? जैसे ये मशीन एक एक पीस है ये मशीन का, इसे बहुत सारी हज़ारों तादाद में मशीनें बनाई जाती है और सारी मशीनें डिस्ट्रीब्यूट होती है। सारी मशीनों में एक जैसे मतलब प्रेशर को मापने के लिए एक जैसा वैल्यू वो शो करती है। तो सोचिए, इतनी से बारीक मेज़रमेंट को हमें देखना होता है। इंजीनियरिंग पर्पस से देखा जाए तो लाखों करोड़ों टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट बनाए गए हैं जो बारीक से बारीक मेज़रमेंट को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती है। अब मान लो कि जो गाड़ी होती है, गाड़ी पर जो वॉशर बनाए जाते हैं, नट्स बनाए जाते हैं, वो सब एक ही डायमीटर के होते हैं, तो वो सब का मेज़रमेंट एक जैसा कैसे होता है? तो उसको बनाने के लिए जो मशीन हम बनाते हैं वो भी उतनी ही मेज़रमेंट और सटीक मेज़रमेंट की होनी चाहिए। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में मेज़रमेंट। अब आप देख रहे हो टेम्परेचर। ये टेम्परेचर, 3 टेम्परेचर्स मशीन मैंने दिखाई है यहाँ पे। कुछ मशीन फ़ारेनहाइट में है, कुछ डिग्री सेल्सियस में है और कुछ केल्विन में है। तो ये जो मशीन्स है, मतलब आप देख सकते हो फ़ारेनहाइट और टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में भी मापा जाता है। हम जब हमें बुखार होता है तो हम थर्मामीटर जो यूज़ करते हैं वो डिग्री सेल्सियस वाला यूज़ करते हैं, और कुछ लोग फ़ारेनहाइट वाला भी यूज़ करते हैं। फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और केल्विन, इन तीनों में डिफरेंस हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे, पर तीनों ही चीज़ टेम्परेचर के लिए यूज़ होती है। थर्मामीटर जो हम टेम्परेचर मेज़रमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इमेज है जो बहुत सारी टेक्नोलॉजी को डिफाइन कर रही है। जो टेक्नोलॉजी जो है वो यहाँ पे रोबोटिक्स हो, कोई ज्वेलरी हो, इक्विपमेंट हो, जो मशीन गन्स होती है, फैक्ट्रीज है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर देखा जाए, टेक्नोलॉजी सेक्टर देखा जाए, कैमरा देखा जाए, जो रोज़मर्रा की डेली लाइफ की यूजेस चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है। ये फ़ोन, कैमरा, कंप्यूटर, माउस, ये सारी चीज़ मेज़रमेंट पे डिपेंड करती है। मेज़रमेंट नहीं होगा तो क्या हम कोई भी एप्लीकेशन नहीं बना सकते? सारी चीज़ों का एक पैमाना होता है और उनको मापन किया जाता है। तो हम वो उनके बेसिक्स चीज़ों को आज देखने वाले हैं कि बेसिक एलिमेंट्स कैसे हम मेज़र कर सकते हैं। ये है एशियन मेज़रमेंट यूनिट ऑफ लेंथ। पुराने ज़माने में हम किस तरह से मापन करते थे उस बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हो, फुट स्टेप, आर्म लेंथ और क्यूबिट एंड हैंड स्पैन। फुट स्टेप जो है वो जैसे मान लो कि मुझे कहीं जाना है और मैंने बोला वो प्लेस 25 कदम दूर है। अब वो 25 कदम दूर है तो उसका ड्रॉबैक क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी से समझाती हूँ कि उस स्टोरी में एक चोर है और एक राजा है। चोर ने राजा के घर पे चोरी की और चोरी का सामान अपने ज़मीन में जाकर गाड़ दिया। अब क्या हुआ कि राजा ने उसको पकड़ लिया और वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे एक ही बार में सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी फैमिली को ख़त्म कर दूंगा। तो अब उसने डर के मारे सही बताया, उसने ये बताया कि 25 कदम राइट में लेना है और 25 कदम
लेफ्ट में लेंगे और 3 कदम जाने के बाद आप वहाँ पर अगर खोदोगे तो आपको खजाना मिल जाएगा। तो अब सेम जब जो राजा थे उन्होंने अपने सैनिकों को भेजा जैसा उसने कहा था, तो उसे वहाँ पर कोई खजाना नहीं मिला। लेकिन जब राजा ने बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तो बोले नहीं मैं सच बोल रहा हूँ। बोले नहीं मेरे सैनिक जाग के आए, तुम झूठ बोल रहे हो। तब ऐसा हुआ था कि राजा जी ने उसको ही खुद को लेकर गए, और जब वो खुद गया तो उसने वहाँ पे देखा तो खजाना मिल गया था। तो यहाँ पर ये पता चला था कि सैनिकों के जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है, और जो चोर था उसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा छोटी थी। तो दोनों के पैरों की जो लेंथ थी, जो पाँव रखने का जो डिस्टेंस था, वो इक्वल नहीं था। तो इस तरह से मेज़रमेंट की बहुत सारी गड़बड़ियाँ सामने आने लगी। ऐसी ही गड़बड़ियाँ आर्म लेंथ और क्यूबिट की भी हमें दिखाई गई थी। जैसे पुराने ज़माने में ग्राहक जब दुकानदार के पास जाते थे तो कपड़ा मांगते थे, तो वो आर्म लेंथ के हिस्से देते थे। ये आर्म लेंथ इतना होता है जो एल्बो से लेकर यहाँ तक होता है। तो आर्म लेंथ और एल्बो से जो होता है वो 1 मीटर कहलाता था उस टाइम पे। तो दुकानदार देखता, ग्राहक देखता था, हाँ भाई ये है और इसका इतना दाम है 2 मीटर का, तो मुझे कपड़ा दे देना। अब होता क्या था, दुकानदार अपने शॉप पर जानबूझकर छोटी हाइट बोने वाले लोगों को जॉब देता था उस टाइम पर, कि भाई उसके हाथ के अकॉर्डिंग वो 1 मीटर कपड़ा देता था। और जब ग्राहकों को पता चलता था कि ये कपड़ा छोटा है तो वो लड़ने आ जाते थे। तर्क वितर्क में हमेशा जीत दुकानदार की होती थी, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कोई स्टैंडर्ड यूनिट था ही नहीं। बोलेगा कि भाई मैंने तो आपको आर्म लेंथ के हिसाब से दिया। तो फिर उस टाइम पे एक राजा था जिसकी आर्म लेंथ को ही 1 मीटर बोला जाता था। तो तब से लेके वास्ट स्थिति में एक स्टैंडर्ड यूनिट दी गई थी। वो स्टैंडर्ड यूनिट क्या थी वो आगे स्लाइड्स में अपन देखेंगे। अब अपन देखते हैं इंच। आज भी हम इंच में, फुट में और क्यूबिट में देखते हैं मेजरमेंट। इंच मेजरमेंट क्या होता है, ऑफ द थंब विच वॉज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ आइटम स्मॉल। छोटी सी छोटी वस्तुओं को अगर मुझे मापना है तो वो मैं इंच में मापूंगी। ये अंगूठे की जो लेंथ है सिर्फ ये इतना, यहाँ तक की जो ये इतनी लेंथ है वो 1 इंच कहलाती है, सिर्फ 1 इंच। फुट इज द मेजर ऑफ लेंथ, कैलकुलेट द साइज ऑफ पीस ऑफ क्लॉथ। जो फुट है वो हम लगभग हाइट के लिए यूज़ करते हैं, और 1 फुट 12 इंच के बराबर होता है, तो यह हमें पता होना चाहिए। क्यूबिट को हम देखें तो क्यूबिट द डिस्टेंस बिटवीन थंब एंड आउटस्ट्रेच फिंगर टू द एल्बो इज़ अ क्यूबिट। क्यूबिट उसे कहा जाता है जो एल्बो से लेकर ये फिंगर तक की जो लेंथ होती है उसको हम बोलते हैं क्यूबिट। तो ये था मेज़रमेंट फॉर लेंथ के लिए। अब हम पुराने ज़माने में या पुराने टाइम पर टाइम को कैसे मेज़र करते थे वो देखते हैं। तो टाइम को इस तरह से मेज़र करते थे, द मूवमेंट ऑफ द सन इन द स्काई वॉज वन ऑफ द मेज़र टू एस्टिमेट टाइम। जो सूर्य दिख रहा है, सूर्य से जब किसी ऑब्जेक्ट पर रोशनी पड़ती है तो उसकी छाया जो है वो ज़मीन पर दिखाई देती है। अब वो जो छाया है टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो पुराने ज़माने में उस छाया को देखते हुए ही टाइम को मेज़र किया जाता था। ड्रॉबैक बहुत होता था, क्योंकि दिन, मौसम सब चेंज होते थे, कभी बड़े दिन होते थे कभी छोटे दिन होते थे। इस हिसाब से टाइम में बहुत ज़्यादा गड़बड़ियाँ होने लगी। विच वॉज डन ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ एंड पोजिशन ऑफ द शैडो कास्ट बाय वर्टिकल स्टिक। अब ये स्टिक है, ये एक पेड़ है जिसकी छाया यहाँ पर है, यहाँ से लेकर सूर्य तक के एक कोण बन रहा है। उस एंगल के द्वारा हम मेज़रमेंट कर पाते हैं कि टाइम अभी क्या चल रहा है। पुराने ज़माने में वो घड़ियाल होती थी जो रेत से टाइम को मेज़र किया जाता था। फिर धीरे धीरे उसमें काफ़ी दिक्कतें आने लगी, तो हमने और उसको डेवलप करते गए। तो ये था एशियन टाइम पे हम किस तरह से मेज़रमेंट करते थे, यही सब चीज़। नीड ऑफ मेजरमेंट इंजीनियरिंग साइंस। अभी हमने देखा कि आवश्यकता क्यों पड़ी। अब इसका हम
बुक के इस पर देखते हैं कि फिजिक्स में हम कैसे इसको परफॉर्मेंस देते हैं। तो फर्स्ट है टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमेना इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट। फिजिक्स के जितने फिनोमेना हैं वो सब एक्सपेरिमेंट करके ही हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे मान लो कि कोई चार्ज है, हम लोग कहते हैं कि दो चार्ज, जो विपरीत चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं, और एक नेगेटिव चार्ज दूसरा भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिपल्सिव करते हैं। तो इस फिनोमिना को हम एक्सपेरिमेंट करके ही समझते हैं, और जो नॉर्मल घर में भी हम एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, कभी आप बचपन में स्केल को रब करते थे, स्केल को रब करने के बाद कुछ कागज़ के टुकड़े होते थे, तो वो जो कागज़ के टुकड़े हुआ करते थे वो स्केल की तरफ क्या होते थे, आकर्षित होते थे। ऐसा क्यों होता था कि स्केल पर जब हम रब करते हैं तो नेगेटिव चार्ज स्केल पर आ जाते हैं, और नेगेटिव चार्ज पेपर पर पॉजिटिव चार्ज होता है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट होते हुए हमें दिखाई देता है। तो ये एक्सपेरिमेंट था जो फिनोमेना को हमें समझ में आने लगा था। अब सेकंड, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से रिपल्सिव कैसे करते हैं। सेम हमने लिया, स्केल को रब किया, दूसरी स्केल को भी रब किया, दोनों स्केल रब को हमने एक दूसरे के पास लेकर जा रहे थे तो वो दूर फेंक रहे थे एक दूसरे को, यानी उसके बीच में जो था रिपल्सिव फोर्स काम कर रहा था। तब हमने जाना कि हाँ, जो फिनोमेना दिया था फिजिक्स के एक सेंटेंस में वो बिल्कुल सही था कि विपरीत चार्ज एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं, जो सेम चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे को रिपल्सिव करते हैं। तो ये था फर्स्ट अपन ने जो अभी समझा। सेकेंड है, एक्सपेरिमेंट्स रिक्वायर मेजरमेंट एंड वी मेजर सर्वल फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं, अभी हमने पहले देखा कि भाई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ही समझ पाते हैं कि वो फिनोमेना सही है, नहीं है, क्या है। अब उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए मेजरमेंट की बहुत आवश्यकता होती है। मेजरमेंट के लिए आवश्यकता कैसे होती है एक्सपेरिमेंट के लिए, तो वो ऐसा होता है, जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल पेंडुलम का, सरल लोलक। सरल लोलक की गति से हम गुरुत्वीय या गुरुत्वीय त्वरण को ज्ञात करते हैं, यानी ग्रेविटी फाइंड करते हैं। तो वो जो सरल लोलक होता है उससे जब हम ग्रेविटी फाइंड करते हैं तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए जिससे हम उसकी मेजरमेंट कर सकें उस प्लेस की। तो हम क्या करते हैं, उस सरल लोलक का मास कितना है वो हमें पता होना चाहिए, वो जिस डोरी से लटका हुआ है वहाँ से उसकी हाइट कितनी है वो हमें पता होनी चाहिए, उसको गति करने में कितने रिवॉल्ट लेने पड़ रहे हैं, कितनी ज़्यादा टाइम लग रहा है, क्या उस धागे की लेंथ इतनी होगी। तो हमें ये सारी चीज़ें जब मिल जाएगी तब जाके हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट करके हम ग्रेविटी को निकाल सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें हमारे पास पता होनी चाहिए। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज एंड थ्योरीज ऑल्सो नीड्स मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है, जो थ्योरीज और जो लॉज हमें दिए जाते हैं क्या वो सही है, उसको सही साबित करने के लिए, उसको वेरीफाइड करने के लिए भी हमें मेज़रमेंट की आवश्यकता होती है। अब वो वेरीफाई कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कोई भी प्लेन सरफेस पे अगर प्रकाश की एक किरण टकराएगी, यानी लाइट सोर्स जाएगा, तो वो टकरा के उसी एंगल से रिटर्न हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो हमने ये पढ़ा है लॉज में कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्टिव। 10वीं में आपने अगर पढ़ा होगा कि आपतन कोण, परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब इन सब चीज़ों को मेज़र करने के लिए हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा, एक्सपेरिमेंट करके देखा, फिर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है, जो हम डिराइव करते हैं, जो हम चीज़ें सॉल्व करते हैं,
वो सॉल्व क्या है, एक तरह का वेरिफिकेशन है, और वेरिफिकेशन करने के बाद हमें पता चला कि हाँ ये जो लॉ दिया हुआ है वो सत्य है, वो सिद्ध हुआ। तो एक्सपेरिमेंटल को इस तरह से हम वेरीफाइड करते हैं मेजरमेंट की सहायता से। अब मेजरमेंट को हम डेली लाइफ में कैसे देखते हैं वो हम देखते हैं। फर्स्ट है मेजरमेंट ऑफ लेंथ। लेंथ को मेज़र करने के लिए वेरियस टेक्निक्स है, बहुत सारी यूनिट्स है, बहुत सारे तरीकों से हम लेंथ को मेज़र करते हैं। तो ये जो हमने देखा कि जो सेंटीमीटर और मीटर में यूज़ करते हैं, वो एक आध इक्विपमेंट का हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है। सेकंड, मास को भी बहुत सारी यूनिट्स में हम मेज़र कर सकते हैं। जैसे अब हमें 5 किलो की शक्कर लेनी है, तो हम कभी भी दुकानदार को ये नहीं बोलते कि 5000 ग्राम शक्कर दो, हम उसे ये क्वांटिटी बोलते कि 5 किलोग्राम शक्कर दो। और फिर हम अगर बोलते कि हमको 500 ग्राम, हम देखते कि आधा किलो शक्कर दो, तो आधे किलो के शक्कर या आधा किलो के पैकेट पे 500 ग्राम लिखा होता है, और जो 1 किलोग्राम जब वो क्वांटिटी स्टैंडर्ड हो जाती है, किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाती है, तो सारी चीज़ें किलोग्राम में चलती है। तो ये सब चीज़ें हैं मेज़रमेंट की डेली लाइफ के अंदर, जो हम रोज़ाना देखते हैं और रोज़ाना हम महसूस भी करते हैं कि कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है डेली लाइफ में मेज़रमेंट की। और अभी हमने बोला कि हम लेंथ को बहुत सारे इसमें मेज़र कर सकते हैं, तो हम देखते हैं मीटर। मीटर को जो कपड़ा हमने देखा, वो कपड़े को हम मीटर में मेज़र करते हैं। उसके बाद जो फुट है वो हाइट के लिए यूज़ करते हैं, 5 फुट 2 इंच, 7 फुट 9 इंच। तो ये जो इंचेस होते हैं, ये इंचेस की स्केल होती है, ये एक पिन है जिसके हमने बोला इसकी लेंथ क्या होगी, ये बहुत छोटी है। अब इसको मैं सेंटीमीटर की स्केल से या उस स्केल से मेज़र नहीं कर सकती, तो इसको इंच में मैंने डिस्क्राइब किया, तो ये 2 इंच की है। फुट में हम डिस्क्राइब करते हैं, जब 12 इंच 12 इंच 12 इंच इतनी सारे इंचेस हो जाती है, तो हम उसको बोलते हैं ये 4 फुट 2 इंच फुट में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे मैंने बताया था 1 फुट = 12 इंच होती है। तो अब हम किलोग्राम के बारे में देखते हैं। मैंने मास को हम किलोग्राम और पाउंड दोनों में देखते हैं। तो किलोग्राम आपको मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में बताया था कि हम किलोग्राम में कोई भी चीज़ को मेज़र करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट है वो। पाउंड जो है वो मोस्टली यूज़ नहीं होती। जो पाउंड है वो लगभग होता है, 1 पाउंड = होता है 453 ग्राम, मतलब आधा किलो से भी कम। पाउंड जनरली यूज़ करते हैं हम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, जो बच्चे होते हैं उसका जो हम मास क्वांटिटी बताते हैं, तो हम ये बोलते हैं कि ये 7 पाउंड का हुआ है, 9 पाउंड का हुआ है। तो इस तरह से पाउंड की मेज़रमेंट होती है। अब हमने आपको बताया था डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में डिफरेंस क्या है। तो डिग्री सेल्सियस नॉर्मली हम जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, इस तरह से हम पर्सन के लिए डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, और फ़ारेनहाइट भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस ये है कि डिग्री सेल्सियस जो है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेके 100 तक, और फ़ारेनहाइट स्टार्ट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है मेज़रमेंट करने के लिए। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिग्री सेल्सियस की स्केल है जो बड़ी वाली है, और जो अंदर के पैमाने हैं वो फ़ारेनहाइट का पैमाना है। तो डिग्री सेल्सियस स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से, और 0 से ख़त्म का हो रहा है अपन बोल रहे हैं यहाँ पे 100 तक की, जो टेम्परेचर थर्मामीटर दिया जाता है उसकी बात कर रहे हैं। तो ये 100 तक दिया हुआ है, और फ़ारेनहाइट में देखो ये 32 से स्टार्ट हो रहा है, 32 से, तो 32 से ये लगभग है यहाँ पर दिया हुआ है 100 के आसपास ही, 110 आई थिंक, ठीक है। तो ये होता है मेज़रमेंट फॉर डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट। अब हम देखते हैं केल्विन। केल्विन लगभग रूम टेम्परेचर, फैक्ट्री का टेम्परेचर, फैक्ट्री में हीटिंग सब्सटेंस क्या है, तो लगभग केल्विन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पर इंटरनेशनली एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होता रहता है। तो हमने देखा हमारे रूम का टेम्परेचर कितना है, तो एक स्टैंडर्ड
वैल्यू अगर मुझे किसी को बतानी है, इंटरनेशनली भी बतानी हो, कहीं पे बताना हो, तो मैं उसे केल्विन में डिफाइन करूँगी कि हाँ मेरे रूम का टेम्परेचर जो है वो 273 केल्विन है या 290 केल्विन है, तो मैं उसे केल्विन में डिस्क्राइब करूँगी। इसकी स्टार्टिंग ही होती है, जैसे डिग्री सेल्सियस की स्टार्टिंग होती है 0 से, डिग्री फ़ारेनहाइट की स्टार्टिंग होती है 32 से, उसी तरह केल्विन की स्टार्टिंग होती है 273 केल्विन से। ठीक है, तो टेम्परेचर का मेज़रमेंट, मास का मेज़रमेंट और लेंथ का मेज़रमेंट हमने यहाँ पे देखा। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती है। तो ये फिज़िकल क्वांटिटीज़ हम देखें, फिज़िकल क्वांटिटी अ फिज़िकल प्रॉपर्टी दैट कैन बी मेज़र एंड डिस्क्राइब बाय अ नंबर इज कॉल्ड अ फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे मास ऑफ अ पर्सन इज 65 kg, सो ये जो 65 है न्यूमेरिकल वैल्यू है, ये फिज़िकल क्वांटिटी है। और ये जो kg दिखाई दे रहा है, ये यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी है, ये यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी है। तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है भाई, इतनी चीज़ें फिज़िकल क्वांटिटी में हमें शो हो रही है। और उसके बाद ये जो है यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, भाई ये जो है यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी है, और जो फिज़िकल क्वांटिटी है वो हम देखते हैं भाई इतनी क्वांटिटीज़ मुझे नज़र आ रही है। अब ये इसकी लेंथ क्या होगी, इस बोरे की लेंथ क्या है, इस बोरे की लेंथ क्या है, या इसके अंदर जितना चावल है कितनी क्वांटिटी में चावल रखा गया है, इस जो ये रखा गया है चावल जिस रूम में रखा गया है उस रूम का टेम्परेचर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी टेम्परेचर को केल्विन में लिया है। ये जो चावल रखे गए हैं जिस रूम में, उस रूम का एरिया कितना है, तो वो एरिया यहाँ पे शो हो रहा है। और इनकी लेंथ क्या है, किसी पर्टिकुलर एक इसकी अपन देख ले तो 3 meter है, और कोई पर्सन वहाँ पे खड़ा होगा जिसका मास 65 kg है, या इन बोरों का अपन मान लो कि 65 kg का पूरा मास दिया हुआ है, कितनी क्वांटिटी, जैसे मान लो सिर्फ दो इसकी मुझे मास निकालना हो, तो दो मास को हम मेज़र कर लेते हैं कि भाई इतने किलो चावल यहाँ पे अवेलेबल है इसमें। ठीक है, तो ये होता है फिज़िकल क्वांटिटी। अब हम देख रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, ये क्या होता है। यूनिट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेज़रमेंट इज़ डिफाइंड एज अ यूनिट ऑफ मेज़रमेंट विच हैव अ फिक्स्ड वैल्यू दैट डज नॉट चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड पर्सन टू पर्सन। यूनिट ऑफ मेज़रमेंट की खासियत यह है कि ये प्लेस टू प्लेस और पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ कि MP में 65 किलो की चीज़ महाराष्ट्र जाकर भी वो 65 किलो की ही होगी, UP साइड भी अगर हम उस चीज़ को मेज़र करें तो वो 65 किलो में ही देगा। अंडरस्टूड है कि हाँ ये समझ जाएगा ये 65 किलो का है, इतना वज़न है, हमें इसको कैसे मेज़र करना है, कितना लेना है, ये सब कुछ हम लोग अंडरस्टूड है किस तरह से हमें बार्गेनिंग करने, किस तरह से हमें चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें जितनी आवश्यकता है हम उतनी ही लेते हैं। अब बात आती है कि क्या इंडिया में हम जो यूनिट यूज़ कर रहे हैं, क्या वो यूनिट बाहर की कंट्री में भी यूज़ कर सकते हैं, क्या हम जो बताएंगे वो समझ सकते हैं कि हम इसको किलोग्राम में ले रहे हैं, हम इसको पाउंड में ले रहे हैं, हम इसको ग्राम में ले रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल यूनिट्स है उसके बारे में हम नेक्स्ट मॉड्यूल्स में देखेंगे आराम से, बहुत अच्छा सा इसका वास्ट टॉपिक है। तो ये जो चीज़ें हैं, एक फिक्स्ड वैल्यू होती है जो आपने बोला 65 kg, इधर भी 65 kg, दूसरे स्टेट में भी 65 kg एंड थर्ड स्टेट में भी 65 kg। तो पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस कभी चेंज नहीं होती। सेकेंड है हमारे पास एक फॉर्मूला, उसको हम देखते हैं और समझते हैं, बहुत अच्छा है। और ये इस टाइप के इस पर क्वेश्चंस आते हैं। अ फिज़िकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू एंड अ यूनिट। जो कॉम्बिनेशन है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट का, उसी को हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। जैसे 5 kg, 5 and kg दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। क्लियर। अब ये है एन, जो कि न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, 1/U, मतलब यूनिट के, मात्रक के। अब मानो कि 5 किलो, 5 को हम
एन से शो करते हैं क्योंकि वो न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो किलोग्राम हम यूज़ कर रहे हैं वो है यूनिट। कहने का मतलब ये है कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी होती है तो यूनिट बड़ी हो जाती है, और जब यूनिट को छोटी किया जाता है तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। तो दोनों एक दूसरे से कैसे है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी उल्टा चलते हैं। तो हमने बोला कि भाई अगर ऐसा है भी तो जो पहली क्वांटिटी थी क्या वो दूसरी क्वांटिटी के बराबर हो जाएगी। अब इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे जो चीज़ मैंने कहा 5 किलो की शक्कर और 5000 ग्राम की शक्कर, क्या दोनों इक्वल होगी? बिल्कुल होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट यहाँ पे चेंज है, यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट चेंज है, पर दोनों क्वांटिटी में इक्वल है। इसका एग्जांपल हम समझते हैं, जैसे मैंने एक मास लिया जो मैं आपको 5 किलो का एग्जांपल दे रही थी। अब इस 5 किलो के एग्जांपल में अपन देखते हैं, यहाँ पे 5 किलो मतलब 5000 ग्राम। इसको देखो, किलोग्राम को जब मैंने ग्राम में कन्वर्ट किया तो यूनिट छोटी हो गई, उसके बाद 5 का 5000 हो गया, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गई और यूनिट जो है वो छोटी हो गई। तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे? बिल्कुल, 5 किलोग्राम 5000 ग्राम के इक्वल होंगे। 1 आवर 60 मिनट, जैसे जो 1 आवर है, यूनिट अब छोटी हुई, मिनट 1 का 60 हो गया, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ गया और यूनिट छोटी हो गई। सेम 3600 सेकेंड, मतलब अब यहाँ पर मिनट से जो यूनिट थी हमारी वो छोटी हो गई और जो 3600 न्यूमेरिकल वैल्यू वो बढ़ गई। तो हमने देखा कि पर दोनों की वैल्यू कैसी होगी, एक दूसरे की इक्वल। तो हमने ये देखा कि जो इक्वल हुआ है वो N1U1 इज़ इक्वल टू N2U2, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू N1 और यूनिट 1 इज़ इक्वल टू यूनिट 2 एंड न्यूमेरिकल 2। ठीक, तो हमने ये देखा कि N इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/U। नेक्स्ट है टाइप ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट्स क्या है? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक है फंडामेंटल यूनिट्स एंड सेकेंड है डिराइव्ड यूनिट्स। तो फंडामेंटल यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स में हम फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में देखेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स बुक्स में आपको फंडामेंटल यूनिट्स शो करेगा या कहीं पे फंडामेंटल क्वांटिटी शो करेगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड यूनिट्स का एक चार्ट होता है उसके अंदर, उस चार्ट के कॉम्बिनेशन को हम या तो फंडामेंटल यूनिट शो कर देते हैं या हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ बताते हैं। तो इन दोनों का जो वर्ड का डिफरेंस है वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो फर्स्ट है लाइन हमारी, द फिज़िकल यूनिट विच कैन नाइदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। हम किसी और यूनिट से इन यूनिट को डिराइव नहीं कर सकते। ये यूनिट जैसे हम बोलते हैं ना, हम किसी भी चीज़ का डेरिवेशन शो कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को सिद्ध कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को लेकर हम दूसरी चीज़ को सिद्ध करते हैं, तो वो चीज़ इन यूनिट्स के साथ पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिस यूनिट्स आर इंडिपेंडेंट, ये अपने आप में स्वतंत्र यूनिट्स है और इनको किसी और यूनिट के द्वारा हम डिराइव नहीं कर सकते और ना ही ये किसी और यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। विच आर इंडिपेंडेंट ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी, राइट, ये एक दूसरे के बिल्कुल स्वतंत्र है, किसी पर डिपेंड नहीं करते। तो अब हम एक चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट में फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड फंडामेंटल यूनिट्स शो हो रही है। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो है वो बहुत 7 होती है, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती है जो अपने आप में स्वतंत्र मानी जाती है, और वो है लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिसिटी, टेम्परेचर, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी एंड मैटर। ये क्वांटिटीज़ इंडिपेंडेंट है। लेंथ, लंबाई, जो कि किसी भी चीज़ की लेंथ को मेज़र करने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट भी माना जाता है इन्हें, और ये पर्सन टू पर्सन और प्लेस टू प्लेस चेंज भी नहीं होती, तो इसलिए हम स्टैंडर्ड यूनिट बोल सकते हैं मानव मात्रक। मास किलोग्राम से मेज़र किया जाता है।
टाइम, समय को हम सेकंड में मेजर करते हैं क्योंकि ये स्टैंडर्ड यूनिट है। इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हम बोलते हैं किसी बल्ब में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो अगर हमें उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आता है या हम किसी को बता रहे हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस बल्ब में 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो 6 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू है, और एम्पियर क्या है? यूनिट है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी की जब बात करते हैं, जब धारा की बात करते हैं, करंट की बात करते हैं, तो हम उसे शो करते हैं एम्पियर में। तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग यूनिट्स पॉसिबल होती है। टेम्परेचर का स्टैंडर्ड वैल्यू केल्विन है, जो हमने अभी शो किया था कि पीछे हमने अपनी स्लाइड्स में बताए थे कि केल्विन, फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस में डिफरेंस क्या है। और इंटरनेशनली और बहुत सारे स्टेट्स में हम मानक मात्रक केल्विन को मानते हैं, इसलिए टेम्परेचर के लिए स्टैंडर्ड यूनिट केल्विन ही है। और हम टेम्परेचर को जब भी मापन करेंगे केल्विन में करेंगे। ल्यूमिनियस इंटेंसिटी यानी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता एक कैंडल होती है, उस कैंडल में ज्योत लॉ जो होती है उसकी तीव्रता को मेज़र करना, तो उसमें एक सॉलिड एंगल बनता है, उन सॉलिड एंगल को मेज़र करना। तो वो जो मेज़र करते हैं, जिस क्वांटिटी या जिस यूनिट में हम मेज़र करते हैं, वो होता है कैंडेला। हम कैंडेला में इसको मेज़र करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा मैटर। मैटर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स या मैटर्स की बात करें, तो उसमें जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स आते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम मोल में, मोल की यूनिट में बताते हैं। 6 मोल है, 5 मोल है, इस टाइप के हम मोल में उसको मेज़र करते हैं। और मोल का सिंबल MOL होता है, और कैंडेला का जो होता है वो CD होता है। जैसे मोल का MOL होता है सिंबल, और तो ये था हमारा फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। अब हम डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में बात करें, तो डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती है? डिराइव्ड यूनिट्स क्वांटिटीज विच आर डिपेंड ऑन फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है। फिजिक्स में 7 यूनिट्स के अलावा जितनी भी क्वांटिटीज है वो सब कुछ फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। मतलब फोर्स, न्यूटन, एरिया, मतलब जो भी चीज़ है, जितनी है उन 7 के अलावा, उस सब के सब फंडामेंटल यूनिट्स पर डिपेंड करते हैं। विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स, ऐसी यूनिट्स जिसको हम फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा डिराइव कर सकते हैं, यानी सिद्ध कर सकते हैं कि हाँ, ये फंडामेंटल यूनिट से हम इन यूनिट्स को सिद्ध कर रहे हैं। तो डिराइव्ड यूनिट क्वांटिटीज़ कुछ दी गई है। फोर्स जिसकी यूनिट है न्यूटन, वर्क डन जिसकी यूनिट है जूल, पावर जिसकी यूनिट है वॉट। जो न्यूटन है, देखो इसका जो जो लेटर है अल्फाबेटिकली वो स्मॉल है, यहाँ पर भी स्मॉल है और वॉट में भी स्मॉल ही है। ऐसा इसलिए जब कोई यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम पर दिया जाता है तो सिंबल में कैपिटल लेटर होता है, और जब हम उसको पूरा लिखते हैं न्यूटन, तब उसका जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल होता है, और जो उसका सिंबल हैगा वो कैपिटल लेटर में शो करेगा N, ठीक है। वर्क डन जूल, सेम केस। पावर की यूनिट होती है वॉट, सेम, और इसको भी डिनोट करते हैं कैपिटल W से, इसको भी हम डिनोट करते हैं जूल को कैपिटल J से। तो ये था डिराइव्ड यूनिट। डिराइव्ड यूनिट के कुछ एग्जांपल्स मैं आपको शो कर रही हूँ। जैसे ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन मतलब होता है त्वरण। त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब विस्थापन बटे समय। अब हमने यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू रखी है मीटर सेकेंड
इनवर्स, इसको इनवर्स पढ़ते हैं क्योंकि सेकंड इसके बटे में होता है, जब ऊपर आ जाता है तो माइनस वन लग जाता है, जो हमने देखे हैं पुराने प्रीवियस क्लासेस में। अब वेलोसिटी का मतलब होता है मीटर सेकंड इनवर्स। अब उसके अपॉन में एक और टाइम है, तो अभी हमने पीछे देखा टाइम को हम किस में मेज़र करते हैं, सेकेंड में मेज़र करते हैं, तो ये सेकेंड और ऊपर चल जाएगा तो माइनस वन, और माइनस वन कितना हो जाएगा माइनस टू, तो मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। दूसरा है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये फोर्स का फॉर्मूला होता है। अब फोर्स के फॉर्मूले में ध्यान से देखो, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास मतलब मास की हमने अभी पीछे फंडामेंटल में देखा यूनिट क्या थी, किलोग्राम, उसको हम किलो केजी में मानक मात्रक जो हमने बोला था स्टैंडर्ड यूनिट केजी है, इनटू मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर जो अभी हमने यहाँ पर निकाला, हमने यहाँ पे देखा उसको कैसे मेज़र करते हैं और वो वैल्यू हमने यहाँ पर रखी। जब केजी मल्टीप्लाई मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर होता है तो इस यूनिट को न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए इस इतनी बड़ी यूनिट को हम न्यूटन से भी बताते हैं। मतलब हम अगर क्वेश्चन सॉल्व करें या कहीं पर देखें तो हम बल को हमेशा न्यूटन में मापते हैं, 5 न्यूटन का बल लग रहा है, 6 न्यूटन का बल लग रहा है, इस तरह से हम फोर्स को न्यूटन में मेज़र करते हैं। और न्यूटन को अगर हमें फंडामेंटल यूनिट के फॉर्म में लिखना है तो वो होता है केजी मल्टीप्लाई मीटर सेकेंड इनवर्स स्क्वायर। स्पीड, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, गति बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी मतलब लेंथ, और लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर में, तो हमने डिस्टेंस को लिखा एम, बटे में टाइम है यानी कि टी, और टी का जो यूनिट होता है सेकेंड, यानी हमने लिखा सेकेंड एस, और जब ये एस ऊपर गया तो मीटर सेकेंड इनवर्स यानी माइनस वन, यानी वो इस तरह से शो हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस वन ऊपर लगेगा एस के पास। फॉर्मूला यूज्ड, फॉर्मूले यूज्ड में आपको ये फॉर्मूले पता होना चाहिए, एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। जैसे मान लो ये एक एरिया दिया हुआ है, इस एरिया में लेंथ और ये हो गई ब्रेथ, इसके मल्टीप्लिकेशन को हम बोलते हैं एरिया, अगर एरिया हमें फाइंड करना हो तो। नेक्स्ट है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, यहाँ देखो वो बॉडी जो है उस बॉडी का मास कितना है, ये शो कर रहा है बॉडी का मास कितना है, और उसको धक्का देना है हमें, तो हमें उस बॉडी को वो बॉडी कितनी एक्सेलरेट हो रही होगी, तो उस जो बॉडी एक्सेलरेट हो रही है और जो बॉडी का मास है, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से पता लगेगा कि हमें उसको ऊपर कितना जोर देना है, कितना फोर्स लगाना है। वॉल्यूम इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है तो कोई ऐसा क्यूब या क्यूबॉइड लेते हैं, घन या घनाकार, जिसकी लेंथ हो, ब्रेथ हो और हाइट भी हो। ये देखो लेंथ, विथ यानी ब्रेथ, और ये उसकी हाइट, इन तीनों के मल्टीप्लिकेशन से हम इस घनाकार या घन का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन, मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम जो कि एक गाड़ी शो कर रही है, उस गाड़ी का एक्सेलरेट मतलब कितनी गाड़ी आगे जा रही है, हम देख सकते हैं उसकी स्पीड क्या होगी, अगर हमें पता होगी उसकी स्पीड क्या है और वो कितने टाइम में वो वहाँ से वहाँ पहुँच रही, तो हम उस चीज़ से उस गाड़ी का एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी कि अब दूरी कितनी दूरी पे वो तय कर रहा है, उस दूरी को हम टाइम के अकॉर्डिंग वो सॉल्व कर ले तो हमको डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी मिल जाती है। वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अब अगर कोई व्यक्ति किसी चीज़ पर फोर्स लगा रहा है तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना मैं फोर्स लगा रही हूँ और जितनी बॉडी डिस्प्लेस कर रही है, अगर एक इक्विपमेंट को मैं धक्का लगा रही हूँ और वो जितनी डिस्प्लेस हो रही है मतलब मैं उतना काम कर रही हूँ, अगर मान लो मैं ऐसे ही धक्का लगाऊँ और वो नहीं आगे बढ़ रही है तो हमारा काम बहुत कम हो रहा है, यानी वर्क डन बहुत कम हो रहा है,
तो हमें जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी बॉडी डिस्प्लेस होगी। तो वर्क डन का मतलब क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। पावर इज इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इक्वल्स टू वर्क अपॉन टाइम। अभी हमने जो वर्क लगाया वो वर्क जो हम काम कर रहे हैं वो कितने कम समय में कर रहे हैं वो हमारी पावर है। इसका एग्जाम्पल में देखेंगे तो अपन लाइट में देखें, अपन बोलते हैं 6 वॉट का बल्ब है, 5 वॉट का बल्ब है, तो जो बल्ब है ये जो वर्क कर रहा है ये कितने कम टाइम में वर्क कर रहा है वो उतनी उसकी पावर होगी उस बल्ब की, उतना अच्छा बल्ब होगा। एनर्जी इक्वल्स होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है, 1/2 mv² यानी मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। और पोटेंशियल एनर्जी को हम बोलते हैं मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट। यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक बच्ची बॉल लेके खड़ी है, तब इस बॉल में ये बॉल पोटेंशियल एनर्जी पर है अभी रेस्ट कंडीशन पर, तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो पोटेंशियल है। और जब पोटेंशियल एनर्जी, जब इसने बॉल को नीचे की तरफ फेंक दिया तो पोटेंशियल एनर्जी ट्रांसफ़र हो गई काइनेटिक एनर्जी में, तो अब ये बॉल जो है ये काइनेटिक एनर्जी फॉर्म कर रही है, मतलब इस बॉल में अब काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब ये मूविंग पर है। जब बॉल रेस्ट पर थी कुछ नहीं हो रहा था, पकड़ा हुआ था, उस बॉल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी थी, और जब ये बॉल मूव कर रही है तो हम ये बोल रहे हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी में मूव कर रही है। अब है प्रेशर या स्ट्रेस, इन दोनों का फॉर्मूला एक ही बनता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स अपॉन एरिया कैसे होता है देखें, हमारे पास एक डायग्राम है, यहाँ देखो नीचे का प्रेशर ज़्यादा लग रहा है कंपैरिजन टू अपर वाले में। अब ऐसा इसलिए होता है जितना कम एरिया में जितना ज़्यादा फोर्स लगेगा वो प्रेशर उतना ज़्यादा ही मूव करेगा। तो जैसे हमने देखा यहाँ पर प्रेशर कम है, यहाँ प्रेशर ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि एरिया कम है और फोर्स ज़्यादा है। तो जब फोर्स ज़्यादा हो और एरिया कम हो तो प्रेशर ज़्यादा मूव करेगा, यहाँ पर थोड़ा कम था और यहाँ पर थोड़ा कम ही है, तो इसीलिए प्रेशर इस तरह से मूव कर रहा है। सो अभी हमने जितनी स्लाइड्स में पढ़ा है वो टॉपिक्स थे, नीड ऑफ मेजरमेंट इन इंजीनियरिंग एंड साइंस, जिसके बारे में हमने जाना कि आवश्यकता क्यों पड़ती है मेजरमेंट की। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी जैसे 5 kg, वो पूरा उसका कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमने देखा, फंडामेंटल यूनिट्स देखी और डिराइव्ड यूनिट्स देखी। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज़ में हमने देखा कि n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/u, ये हमने यहाँ पर देखा कि भाई जब न्यूमेरिकल वैल्यू कम होती है तो यूनिट बढ़ जाती है, और यूनिट कम होगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू बढ़ जाती है। असाइनमेंट क्वेश्चन, राइट द रिलेशन बिटवीन न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी एंड द साइज ऑफ द यूनिट, लेंथ, मास एंड टाइम। आपको n इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u से इन तीनों के लिए यूनिट्स के रिलेशंस बताने हैं। लेंथ जैसे मीटर में अगर आप मेज़र कर रहे हो तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, किलोग्राम है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करो। टाइम, टाइम का तो आपको इस स्लाइड में मिल ही जाएगा कि कैसे सॉल्व किया है, वो 1 आवर को 60 मिनट में, 60 मिनट को 3600 सेकेंड्स में हमने किया था वैसे। व्हाट इज़ फिजिकल यूनिट, व्हाट इज़ फिजिकल यूनिट, यूनिट ऑफ फिजिकल क्वान्टिटीज़ हमने देखा वो हमें बताना है। What are the 7 basics unit of measurement? हमने आपको कहा था fundamental unit को basic units भी बोला जाता है। Is measurement important in our daily life? क्या measurement हमारी daily life में important रखता है? अगर रखता है तो क्यों रखता है? यानी इसमें need of measurement के जो laws है जो हमने पढ़ा था वो इसके अंदर आएगा। Which is mean by derived quantity? Means derived quantity क्या होती है वो आपको इसमें बताना है। नेक्स्ट हम मॉड्यूल 1 के पार्ट 2 में द सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में पढ़ेंगे कि अलग अलग कंट्री में अलग अलग यूनिट के कौन कौन से सिस्टम वर्क करते हैं और उन सिस्टम की खासियत क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वो सब हम इस मॉड्यूल 1 के पार्ट 2 में देखेंगे। तो अब हम ये रेफरेंस है जहाँ से हमने देखा है। Thank you for watching this video. Thank you so much.